उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के कलेक्ट्रेट में सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भाजपा सरकार की अनियमितताओं और मुख्यमंत्री योगी द्वारा किए गए वादों को पूरा न किए जाने की दशा में आल्हा व संगीत की तर्ज पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मानदेय बढ़ाए जाने व पंजीरी घोटालों की जांच आदि की जांच कराए जाने जैसे अन्य कई मुद्दों को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाएं आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं और भारी संख्या में एकत्र होकर अपनी एकजुटता और नारी शक्ति का परिचय व प्रदर्शन भी कर रही हैं। पिछले 7 दिनों से चल रही महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में आज इन महिलाओं ने मोदी और योगी सरकार के विरोध में गीत व आल्हा गाकर उनकी अवहेलना की और उनके खिलाफत की नारेबाजी भी की। पीड़िताओं से बात करने पर उन्होंने बताया कि उनकी ये आर पार की लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा और उन्हें राज्य कर्मचारी नहीं बनाया जाएगा। साथ ही हार्ड कुक और बच्चों को हो रही कठिनाइयों जैसे अनियमितताओं में सुधार नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में तमाम घोटालों की पुनः जांच कराने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा कर बदहाल आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार नहीं किया गया तो हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और परियोजना कार्यालय में तालाबंदी कर विरोध जताने से तनिक भी नहीं चुकेंगे। वहीं इस मामले पर कोई भी अधिकारी कैमरे का सामना करने को तैयार नहीं है और कुछ बोलने से भी साफ इनकार कर रहा है। सुनिए क्या कहती हैं पीड़ित महिलाएं। प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। आज हम लोगों ने गीत गा करके योगी और मोदी अवहेलना की है। उन्होंने हमारी मांगों को बहुत गलत बताया और न्यूज़ में भी देते हैं कि जो है ये आंसन कर रही हैं, आंगनवाड़ियाँ गलत कर रही हैं। इसीलिए मैंने गीत के माध्यम से उनकी अवहेलना की है, क्योंकि जब तक वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसी तरह आंसन पे काम बंद कलम बंद हड़ताल लेकर के बैठे रहेंगे। जब हम लोग सबका मानदेय बढ़ जाता है, सबका वेतन बढ़ जाता है, किसी में कोई दिक्कत नहीं आती, जब आंगनवाड़ियाँ अपने बारे में कुछ कहती हैं तो बस उनके पास बजट नहीं रहता, वो हमारी मांगों को हमेशा गलत बताते रहते हैं। इसीलिए हम लोग शांत पूर्वक बैठ करके और गीत के माध्यम से मैंने योगी और मोदी की अवहेलना की है और इस अवहेलना से उन्हें सबक सीखना चाहिए और उन्हें महसूस करना चाहिए कि हम इन लोगों की मांगों को जायज समझे और जल्द ही जल्द इस कर रही है। क्या पूरा मामला है, क्या मांगे हैं आपके? आज हमारा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से हमारी सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनते ही 120 दिन के अंदर हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाकर उनको सम्मान देंगे और अभी तक 120 दिन 6 महीने पूरे हो गए और अभी तक सरकार ने हमारी कोई बात मांग नहीं पूरी की है। इसलिए हम लोगों को मजबूरी के कारण हमें आंदोलन करना पड़ा है और हमारी प्रमुख मांग है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को राज्य कर्मचारी बनाया जाए। अगर जब तक राज्य कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक उन्हें 15,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय दिया जाए। दूसरी मांग है हमारी कि हमें प्री नर्सरी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं जिस तरह से जाते हैं उनके लिए बैठने के लिए बच्चों को मेज कुर्सी और पेंसिल स्लेट रबड़ कलर की व्यवस्था की जाए और अन्य राज्यों की भांति हमारे राज्य में भी पेंशन योजना लागू की जाए जिससे हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो 60 साल की आयु सीमा पूरी पर जो 15 दिन का चिकित्सीय अवकाश संवेतन दिया जाए और उनकी उनका कोई मानदेय में कटौती ना की जाए। और हमारी एक मांग ये है कि जो हार्ड कुक बच्चों को दिया जाता है वो पूरे 3 सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि 300 दिन कंटिन्यू देना चाहिए लेकिन यहाँ के बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी हार्ड कुक का पैसा खाके और परमानेंट 300 दिन नहीं देते। तो जांच की जाए, जब तक हमारी ये सारी मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे और अब जब आंदोलन का बिगुल बज चुका है तो हम लोग आर पार की लड़ाई पर उतर आए, चाहे जितने दिन लगे हमारी सरकार जब तक बात नहीं मानती तब तक हम लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे।
और बराबर हमें अपनी मांग को मनवाना ही है, और सरकार से जिस स्तर से लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ते रहेंगे। यार सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है, क्या करेंगे आप लोग? हम लोग योजना जाके परियोजना कार्यालयों में ताला डलाने का काम करेंगे, और जो भी सरकारी काम है उसका हम विरोध करेंगे, और सबसे पहले आने वाले चुनाव में अगर ये हमारी सरकार मांग नहीं पूरी करती है।